नाम तो सुना ही होगा, ये है लक्ष्मी नारायण स्वीट्स एंड चूड़ा एंड नमकीन, लगते जिगर जाने जिगर काजू कतली के साथ। बहुत बढ़िया। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक, ये जो जगह है ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण स्वीट्स, चूड़ा और नमकीन अलग अलग वैरायटीज़ में आपको मिलेगा। और तो और स्वीट्स का तो भंडार है यहाँ पे। यहाँ पे आपको काजू कतली, पुनेरी पेड़ा और मलाई बर्फी और कई तरह के स्वीट्स मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जैसे ही मैं अंदर आया देखा यार यहाँ पे हाइजीन तो इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है कि यार देख के अच्छा लगा। आप जाएंगे अंदर और शुरुआत करके चाट से, फिर आएंगे बढ़ेंगे अपने स्वीट्स की तरफ और आपको एकदम जेन्युइन रिव्यू देंगे कि वाकई कैसा टेस्ट है। ठीक है, चलो। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फूडी का चक्कर में। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे इस आउटलेट के बारे में और इससे जुड़ी हुई हिस्ट्री। हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू आवर शॉप। एंड सब लोगों ने चिवड़ा खाया है पूना में, एंड पूना मींस लक्ष्मी नारायण चिवड़ा। वी हैव नाउ एक्सपैंडेड इनटू स्वीट्स एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट शॉप जहाँ पे हमने स्वीट्स चालू किया है। एंड हमारे लिए स्पेशली हमने राजस्थान से लोग बुलाए हैं ताकि वो टेस्ट हम यहाँ पे लेके आ सके। हमारे जो सबसे बड़े बाबा थे श्री लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने एक्चुअली में स्वीट्स से ही चालू किया था, बट चिवड़ा इतना बढ़ गया कि स्वीट्स को बंद करना पड़ा। पर अब आज हम फिर नई पीढ़ी जब आए हैं तो हमने फिर से स्वीट्स चालू किया है एंड हम कोशिश करते हैं कि आपको चिवड़े जैसा ही स्वीट्स बहुत पसंद आए। आज हम जहाँ पे भी हैं, जो भी हैं, हमारे दोनों बाबा की वजह से है, श्री लक्ष्मी नारायण जी एंड श्री बाबूलाल जी डाटा। एंड हम लोगों को जो भी ये अवसर मिला है कि हम कुछ नया कर सके, वो इस वजह से ही है कि उन लोगों ने जो मेहनत की है, दिन रात एक किया है और एक टेस्ट बिठाया है पूना में। तो आज हमारे पास एक वो प्लेटफॉर्म है कि हम उधर और कुछ नया कर सकते हैं। लोगों का एक ट्रस्ट है हमारे ऊपर जो हम कभी तोड़ना नहीं चाहते हैं। और आपके आउटलेट कहाँ कहाँ हैं? तो ये हमारा पहला आउटलेट था मुकुंद नगर में, महाराष्ट्र मंडल के ऑपोजिट, और हमने पिछले 5 महीने पहले ही खोला था अप्रैल में गुड़ी पड़वा के दिन। और अभी वी आर 5 आउटलेट स्ट्रॉन्ग। हमारा आउटलेट भवानीपेट में है, सालुंकी विहार, सहकार नगर, खराड़ी, और बहुत सारे आउटलेट्स जल्दी से आने वाले हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए हमारे स्वीट्स खाना। एंड यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो आपको सब कुछ देसी घी का मिलेगा, शुद्ध हाथों से बना हुआ, खोया भी यही बनता है, इसलिए क्वालिटी इज ओवर एवरीथिंग फॉर अस एंड वी विल अश्योर यू कि आपको क्वालिटी मिले हमारे यहाँ पे। यहाँ पे हाइजीन काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ सफाई दिन में कितनी बार होती है, थोड़ा सा भी कुछ गिर जाए तो सबसे पहले हम सफाई कराते हैं। हमारे सारे कैशियर, सारे सेल्स पर्सन के हमेशा कैप, मास्क, ग्लव्स हमेशा हाथ में रहता है, और जितनी भी मिठाई रहती है उसको हम प्रॉपरली हर रोज़, हर एक दिन में 3-4 बार चेक करते हैं ताकि हमारी हाइजीन हमेशा मेंटेन रहे। बहुत खूब, अब कुछ चटपटा हो जाए, चलते हैं पानी पूरी की तरफ। मुझे ये वाली पूरी अलग लग रही है, आप मुझे बताएंगे कौन सी वाली अच्छी रहेगी? मुझे पानी पूरी खानी है, बहुत बड़ी भूख लगी है। आपके लिए रवा वाला पूरी सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा, ऐसा क्या है? जी, ये अपने लक्ष्मी नारायण चूड़े का प्रोडक्ट, ये रवा का बनता है, बहुत ही मीना कारीगरी से बनाया जाता है ये। अच्छा, और बहुत ही इसकी क्वालिटी है इसके अंदर, ये देखिए आप। ओ भाई साहब, ये क्वालिटी बेस्ट है क्योंकि ये रवा का बनाया जाता है, काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है। ओके ओके, आप मुझे पानी पूरी खिला सकते हैं इससे? वेलकम है आपके लिए। लेट्स हैव, आइए सर आइए। तो भाई आ गया अपना पानी पूरी, बट थोड़ा सा ट्विस्ट इसलिए भाई रवे की पूरी है, मैंने कभी ट्राई तो किया नहीं इसके पहले, आज पहली बार मौका मिला है लक्ष्मी नारायण स्वीट्स में, अब हम ट्राई करेंगे इसको। चलो भाई, इस पूरी का टेक्सचर भी अलग है और मैं तो बोलूँगा यार पूरी का
काफ़ी बड़ी भी दिख रही है नॉर्मल पूरी से। भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे, तो ये मस्ट ट्राई है, आपको ज़रूर आना है और ट्राई करना है, क्योंकि पूरी का साइज़ भी बड़ा है, टेक्सचर भी अच्छा है। आप आओगे आपको समझ जाओगे। अब आप ही बताइए, इतना गर्मा गर्म समोसे को कोई मना कर सकता है? तो भाई हमने ना रवे की जो पानी पूरी वो ट्राई किया, बहुत ही मस्त लगी। अब हमने सोचा अब आ ही गए तो यार क्यों ना चाट ट्राई कर लिया जाए। तो भाई देख रहे हो क्या फीलिंग है मस्त समोसे की। और हमने ये पूछा भी उनको कि भाई इस फीलिंग में आपने क्या क्या डाला है, तो उन्होंने बताया हमको कि इसको ना उन्होंने मूंगफली के तेल में बनाया है और इसमें आलू की बहुत बढ़िया फीलिंग दिख रही है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अब भाई रहा नहीं जाता, अब ट्राई करने का वक्त आ ही गया है इसको। चलो लेते हैं भाई एक बड़ा पीस, चटनी वटनी लगा के मस्त एकदम, और बोन अपेटिट। वाह बस, फीलिंग तो इतनी बढ़िया है, मज़ा आ गया खा के। मैं आप सबको बोलूँगा जब भी आप यहाँ पे हो मुकुंद नगर में, ज़रूर पूना में, अगर पूना में भी हो तो ट्राई ज़रूर करना यहाँ पे लक्ष्मी नारायण स्वीट्स का चूड़ा का नमकीन और चाट। भाई साहब हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे यहाँ के स्वीट के बारे में। बिल्कुल जी, खम्मा घनी एवरीवन। हमारे यहाँ पर शुद्ध घी की जो भी स्वीट है सब शुद्ध घी की मिलेगी, और जितने भी बर्फियाँ हैं सब दानादार मिलेगी प्योर दूध में, एंड बंगाल स्वीट है और काजू की स्पेशल मिठाई अपने पास, केसर कतली, गुलाब लड्डू, पिस्ता बादाम, और भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, सीजनेबल आइटम है हमारे पास, और चूड़ा है हमारा जो फेमस है ही, वो बहुत अच्छी से मिठाई है, और बार स्नैक्स नमकीन, इसमें हमारा स्पेशल देसी घी की जलेबी एंड फाफड़ा विद पपाया चटनी, और समोसा कचौरी, और संडे स्पेशल हमारे यहाँ पूरी और भाजी भी रहता है। क्या आप आपके कस्टमर को मिठाई टेस्ट कराते हैं? जी बिल्कुल, हम प्रत्येक कस्टमर को अपनी तरफ से प्रत्येक चीज़ टेस्ट कराते हैं, उनको देते हैं, टेस्ट देते हैं, और जो हमारे यहाँ से एक बार टेस्ट करके जाते हैं वो ज़रूर हमारे पास यहाँ स्वीट लेने आते हैं। हमारे स्वीट में एकदम शक्कर कम है और एकदम फ्रेश, और जितना लगता है हमको हम उतना ही बनवाते हैं, दिन में दो बार हर चीज़ बन जाती है हमारे यहाँ पर, और एकदम अच्छे से हर चीज़ का ये होता है। थैंक यू वेलकम सर। तो भाई नमकीन से शुरुआत किया हमने, हमने सूजी पूरी खाई जो एक नंबर, फिर उसके बाद हमने गए हम समोसा खाए जो भी यार उसका फीलिंग तो इतना बढ़िया था। अब आ गए हम हमारे स्वीट्स पे, जैसे कि ये आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में ही, ये प्लेस स्वीट्स के लिए काफ़ी फेमस है, लक्ष्मी नारायण स्वीट्स द फेमस पूना में। तो अब हम आए हैं हमारे प्लेट भर के स्वीट्स, तो शुरुआत करेंगे भाई अपने काजू बर्फी से, अंजीर कतली, पिस्ता रोल, पुनेरी पेड़ा, मैंगो मलाई, काजू रोल, और ये मोतीचूर के लड्डू, और ये चॉकलेट बर्फी, और ये केसर मलाई। अब भाई करेगी शुरुआत और टेस्ट करेगा और बताएंगे आपको जेन्यून रिव्यू कि वाकई में टेस्ट कैसा है। तो शुरू करते हैं भाई मेरी लगते जिगर जाने जिगर काजू कतली के साथ। बहुत बढ़िया, वो पहले यार खा लेने दो, बाद में बोलता हूँ, इतना टेस्टी लग रहा है मुझे। कहाँ से आते है, कहाँ से भाई ये, कौन बनाया किसे इसको, बहुत ही बढ़िया, उस शेफ के हाथ चूमना चाहिए मुझे, इतना टेस्टी लग रहा है, मजाक नहीं है भाई, बहुत बढ़िया है। सब ट्राई करना ज़रूरी है क्या आपके सामने? चलो और एक ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं आपका फेमस जो उन्होंने बोला कि पुनेरी पेड़ा। कुछ अलग है, कुछ टेस्टी है, मैं बोलता हूँ भाई आपको ऐसा स्वीट कहाँ नहीं मिलेगा इसके अलावा, आप ज़रूर ट्राई करना यहाँ पे आके लक्ष्मी नारायण स्वीट्स के पास जो है मुकुंद नगर में। अब हम ट्राई करेंगे हमारा अंजीरी कतली। अलग सा कुछ लग रहा है कि मिक्स ऑफ फ्लेवर्स लग रहा है, वो बहुत ही अलग अलग फ्लेवर्स का बवाल मच रहा है, मैं बोल सकता नहीं आपको मुझे कितना मज़ा आ रहा है इसका। तो भाई हमने यहाँ पे अभी खा पी के हमारा हो गया, हमने सूजी वाली पानी पूरी खाई, मस्त फीलिंग वाला समोसा चाट खाया,
और तो और स्वीट्स भी ट्राई किया, अलग अलग तरह की स्वीट्स थी, बहुत मज़ा आया। मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पे आना। ये जो एरिया है लक्ष्मी नारायण स्वीट्स सूडा एंड नमकीन, ये कटारिया हाई स्कूल के पास है, मुकुंद नगर। और दूसरी चीज़ भाई, हाथ खाली दिख तो रहा है बट पार्सल बन रहा है। मैंने यहाँ पे भाई घर वालों के लिए समोसा चाट और काफ़ी तरह की स्वीट्स ऑर्डर किया है। आप घर वाले को खुश करना का बस यही बाकी है। तो अभी हम जाएंगे और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर ये आउटलेट विज़िट ज़रूर करना, बहुत ही बढ़िया है और मैं बोलता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट जगह पे। चलो।